हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नाउ मूविंग टू द सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अच्छा हम सेकंड एंड थर्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं एक ही फेज डायग्राम में तो लिखो सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट साथ ही साथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो वो हम बाद में देख लेंगे पहले मैं एक फेस डायग्राम बना दूँ, एक पॉइंट भी लिखेंगे व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इंटू अ वॉलेटाइल लिक्विड To form solution, vapor pressure decreases and hence solution need be heated to a higher temperature. टू बॉयलेट सो दैट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर देखो मैंने सेंटेंस लिख तो दिया इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें आ गई आपने शुरुआत में जब लिक्विड सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का चैप्टर शुरू हुआ था तो तो हमने डिफाइन भी किया था वेपर प्रेशर को और बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन किया था व्हाट वाज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड द द एट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर सोल्यूशन लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए ठीक है पानी है वाटर है तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो वन एटमोस प्रेशर लिया नॉर्मल आउटसाइड प्रेशर

आप किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी वॉलेटाइल लिक्विड में मिलाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा तो फिर वापस से बॉयल करने के लिए एक, वेपर प्रेशर को बढ़ाकर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर रखने के लिए आपको हायर टेम्परेचर पर हीट करना होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो क्या कह सकते हो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन

मान लो एक प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम था प्योर सब्सटेंस के लिए हम शुरू में बनाया भी था हमने और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इंक्लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट रहता है वाटर वाले के लिए हम इसे वर्टिकली लेते हैं इस टाइप से ऐसे था ये प्योर सॉल्वेंट वाटर ही ले लिया मान लो हमने प्योर सॉल्वेंट, uh, ये ट्रिपल पॉइंट था यहां पर यू आर डीलिंग सॉलिड, यहां पर यू आर डीलिंग लिक्विड, एंड दिस इज यूर डीलिंग विद वेपर। आपने मान लो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट शुगर या सॉल्ट मिला दिया तो अब फेस डायग्राम मॉडिफाई हो जाता है एंड बिकम्स लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस तो मान लो ये वन एटमोसफियर प्रेशर था कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वन एटमोसफियर प्रेशर ध्यान दो ये क्या था दिस वॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट अब क्या हुआ ये फेस डायग्राम हो गया नीचे वाला दिस इज द फेस डायग्राम फॉर सॉल्यूशन तो दिस इज फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ये भी डॉटेड वाला किसके लिए सॉल्यूशन के लिए तो so अब वेपर प्रेशर ये रह गया लिक्विड और वेपर जहां इक्विलिब्रियम पे हैं बाउंड्री पर सॉलिड बाउंड्री पर कॉल्ड वेपर प्रेशर दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर तो ये वेपर प्रेशर था अब वेपर प्रेशर घट के ये रह गया तो व्हाट इज दिस क्या है ये डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो वापस अब हीट करना पड़ेगा हायर टेम्परेचर पर ताकि ये घटा हुआ वेपर प्रेशर वापस से वन एटमोस्फेयर के बराबर हो जाए तो यू विल हैव टू तो हीट इट सो दिस इज द टेम्परेचर जहां पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है सो दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जिसके अंदर नॉन वॉलटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो व्हाट इज इट देन डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सिमिलरली जरा यहां देखो ये मैंने इसे वर्टिकल मान लिया है हालांकि वर्टिकल एग्जैक्टली होता नहीं है बट बहुत कम स्लोप होता है ये ये था प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो टीएफ ऑफ सॉल्वेंट और ये कौन है घट गया देखो फ्रीजिंग पॉइंट घट चुका है इस पॉइंट पर नाउ सॉलिड एंड लिक्विड आनी निक्लुबरियम सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज्ड एंड द डिफरेंस ऑफ दिस टू कौन ये दिस इज कॉल्ड डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग में हम इस बात को देख पाते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है तो एक तरीके से सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड लाइफ इज मोर इन द मोर रेंज ऑफ टेम्परेचर तो ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट Boiling point uh, increases and freezing point uh, decreases. In other words, uh, liquid life, yeah, you boldo, uh, liquid life. ज मोर और इन ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर टेम्परेचर टेम्परेचर डिफरेंस मतलब जैसे आप जानते हो वाटर है वन एटमास प्रेशर पर आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस सो वॉट इज लिक्विड लाइफ जीरो से लेकर के हंड्रेड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आपने इसमें थोड़ा नमक घोल दिया आपने जब सॉल्ट का सोल्यूशन बना दिया एक्वा सोल्यूशन सौ से पड़ गया मान लो 105 हो गया डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट जीरो से घट गया मान लो माइनस पॉइंट फाइव माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस हो गया तो अब लिक्विड फॉर्म में जो नमक का सॉल्यूशन है उसकी रेंज क्या हो गई माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस टू uh, 105 डिग्री सेल्सियस वट इज लिक्विड लाइफ इन वॉट टेम्परेचर रेंज वन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में वो लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड में रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन वोलेटाइल लिक्विड ये कहना चाह रहे हैं हम इस वाले पॉइंट के थ्रू तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फ्रीजिंग पॉइंट घटता है हालांकि इस बात को हम एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल सॉल्यूशन के टर्म्स में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हम प्रूव भी कर सकते हैं एंट्रोपी चेंज के बेसिस पर कि बॉइलिंग पॉइंट नॉन वॉलिटाइल सॉल्यूड मिलाने पर बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है वो थोड़ा बाद में लेंगे अभी तो पहले इसकी बात कर ली तो एक तरीके से डेल्टा टी टीबी हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन डेल्टा टी एफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब यहीं पे बात आती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी कैसे मोलैलिटी से लिंक्ड होता है या कैसे कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो रिलेशन बिटवीन ये डेरिवेशन है हालांकि जो फॉर्मूला आएगा दैट विल बी यूजफुल डेरिवेशन बहुत आसान भी है रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन तो वापस से जरा एक बार फेस डायग्राम दोबारा बनाएं ये बहुत आसान सा भी होता है मैं केवल इस बार चूंकि हम डेल्टा टीबी की बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम था ये पी वर्सेस टी तो हम केवल यही वाला पोर्शन ले लेते हैं ये सॉल्यूशन के लिए है मान लो ये वन एटमोस्फियर है वन एटमोस्फियर करस्पॉन्डिंगली हम बॉइलिंग पॉइंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं ये प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन वन ये सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन टू इज मोर कॉन्सेंट्रेट देन सॉल्यूशन वन सो यह प्योर सॉल्वेंट था थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाया सॉल्यूशन बन गया और ज्यादा सॉल्यूट उसी सॉल्यूशन में मिला दिया कंसेंट्रेट सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन टू इज मोर कंसेंट्रेट देन सॉल्यूशन वन देखो ये ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वन इसको बोल दिया डेल्टा पी वन यहां इस पॉइंट तक ये है लोरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू डेल्टा पी टू अच्छा ये था डेल्टा टीबी वन और सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं और ये था डेल्टा टीबी टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्यूशन वन डेल्टा टीबी वन एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन टू डेल्टा टीबी टू अब मान लो इसे ए पी सी पॉइंट मार्क कर दिए ये डी और ये पॉइंट ई फॉर डायल्यूट सोल्यूशन यहां लिख लेंगे इसको फॉर डायल्यूट सोल्यूशन ये जो सेगमेंट है बी डी ये लीनियर नहीं होते ये थोड़े कर्वड है बट डायलूट सोल्यूशन के लिए और स्मॉल चेंजेस के लिए वी कैन एज्यूम दैम टू बी द स्ट्रेट लाइन्स सेगमेंट्स बी डी एंड सीई आर टेकन लीनियर तो फिर एक तरीके से आप क्या कह पा रहे हो ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सीई आर सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन ए बी देख लो ए बी डी एंड ए सी ई आर सिमिलर सिमिलर हैं तो जनरल uh, मैथमेटिकल जो नोटेशन है व्हाट ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी तो क्या बोलोगे ए डी अपॉन ए ई वुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी क्या मतलब निकला एड इज वॉट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी वन अच्छा डेल्टा पी क्या है यहां लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विच इज नथिंग बट पी नॉट माइनस पी एस एंड डेल्टा टी तो हम कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो डेल्टा पी वन अपॉन डेल्टा पी टू का रेशियो वही है जो एबी एबी इज वॉट डेल्टा बी वन अपॉन डेल्टा बी टू तो यहां से हम क्या कह पाएंगे कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मान लो इसे इक्वेशन नंबर वन बोल दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नथिंग बट पी नॉट माइनस पी एस यही तो हुआ और हम एक बात जानते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर आइडियल सोल्यूशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर आइडियल सोल्यूशन वी नो दैट पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन ये हम यूज कर चुके हैं इक्वेशन एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फॉर डायल्यूट सोल्यूशन सब कुछ डायल्यूट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम फॉर डायलूट सोल्यूशन एन इज मच स्मॉलर देन कैपिटल एन तो फिर हम स्मॉल एन को क्या मान लें इग्नोर कर दे तो हम इसको किसके बराबर ले लें इक्वल टू एन के बराबर तो फिर यहां से इक्वेशन आ गई पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन इसको यू भी लिख सकते हो एन अपॉन कैपिटल एन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास मोलर मास ऊपर चला गया सौ डिवाइड कर दो ये सब एडजस्टमेंट है और ये क्या बन गया देखो क्या बन गया ये पहले भी था हमने जब हम लोरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे दिस इज नथिंग बट मोलैलिटी तो यहां से हमारे पास एक चीज आ गई क्या पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन थाउजेंड इंटू पी नॉट फॉर ए गिवन सॉल्वेंट सॉल्वेंट फिक्स कर दिया जाए गिवन टेम्परेचर टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया जाए टेंचर फिक्स कर दिया तो पी नॉट इज कॉन्स्टेंट सॉल्वेंट अगर फिक्स कर दिया तो मोलर मास इज कॉन्स्टेंट तो इसका मतलब ये जो पी नॉट डेल्टा पी है दैट इज नथिंग बट पी नॉट माइनस पी एस पी एस इज द सोल्यूशन वेपर प्रेशर पी नॉट इज द प्योर सोल्वेंट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू वॉट मोलैलिटी तो फिर सीधी बात जरा इक्वेशन वन से आओ फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था वो देखना ये री वो इक्वेशन वन डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो क्या कह सकते हो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी तो यहां से एक कांस्टेंट भी आ जाता है डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू Uh, kb into molality this is the expression where kb is called molal, molal molality hai na ya? Molal, molal elevation constant or ebullioscopic constant जिसकी यूनिट हम लेते हैं कैलविन किलोग्राम मोल माइनस वन और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल माइनस वन और ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट तो लिख भी देंगे इस बात को यहां पे नोट कर लेंगे के बी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ सॉल्वेंट

इक्वेशन है उससे डिराइव भी कर सकते हैं तो एक्सप्रेशन आया हमारे पास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू स्मॉल एम यही था ना अब देखो हमने के बी कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है सॉल्वेंट की वैल्यू है सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इफ के बी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो वी कैन फाइंड आउट तो वेयर के बी इज एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आर टी बी स्क्वायर अपॉन थाउजेंड इंटू एलवी कई बार क्वेश्चन में काम आता है वेर टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ सॉल्वेंट इन कैलविन एलवी लेटेंट हीट ऑफ इजेशन ऑफ लिक्विड इन जूल पर ग्राम और कैलरीज पर ग्राम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स में यूनिट का ख्याल ना रख के इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइशन अच्छा एनथेल्पी ऑफ वेपराइशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइशन एक अंतर है एलवी इज इक्वल टू डेल्टा एच एनथेलपी ऑफ वेपराइशन अपॉन मोलरमास ऑफ सॉल्वेंट कभी कभी क्वेश्चन में ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ होता है अच्छा ये एंथेल्पी ऑफ वेपराइजेशन की यूनिट क्या होगी फिर जूल पर मोल और कैलोरीज पर मोल तो अगर पर मोल दिया हुआ हो तो हमें एलवी चाहिए होगा इस फॉर्मूले में एलवी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी यूनिट है पर ग्राम तो मोलर मास से डिवाइड कर दो जैसे वाटर है मोलर मास तो

जूल मोल या फिर टू फॉर्मुले विच कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखो मैं यहीं पे कवर अप कर लेता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझा तो हम चुके हैं इसी वीडियो लेक्चर में आ, के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल लिक्विड तो अभी बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होगा डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट घट जाता है ना तो सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन लेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन अच्छा फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये, ये ना देखो इधर देखो जैसे ये दो फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले विल कम हियर इन केस ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट में तो डेल्टा टी एफ वुड बी इक्वल टू के बी की जगह क्या जाएगा के एफ इन टू मोलैलिटी एम वेर के एफ क्या कहलाता है एफ इज मोल मोलर नहीं मोलल molal, मोलिटी है ना तो मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डिप्रेशन मतलब घट जाना डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्राइस्कोपिक वर्ड का मतलब होता है डीलिंग विद्परेचर तो घट गया ना टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तो उससे मतलब है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट यूनिट वापस वही, केल्विन, किलोग्राम मोल माइनस वन और डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल माइनस वन अच्छा अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, तो के एफ इज इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ सॉल्वेंट एंड इट विल बी ए कॉन्स्टेंट वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है वाटर है तो उसके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होगी अच्छा के एफ जैसा के बी का फॉर्मूला था क्वेश्चन में ना दिया हो तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द इक्वेशन लाइक आर टी एफ स्क्वायर अपॉन थाउजेंड बोलो क्या आएगा इस बार एलवी नहीं एल एफ बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन आ गया ये वेयर अब टी एफ तो समझ ही होंगे आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन कैलविन और एल एफ समझ गए होंगे आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट इन जूल पर ग्राम वापस पर ग्राम और कैलोरीज पर ग्राम पर ग्राम का ध्यान रखना है

कंप्यूटर uh, भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाते हैं हीटअप हो जाते हैं जब बहुत लंबा वीडियो होता है सो दैट्स इट फॉर नाउ